की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से ढेर सारी। तो आज हम बनाएंगे, लेके आई हूँ न्यू रेसिपी एकदम व्रत में फलाहार आलू। आसान तरीके से खास ट्रिक्स और टिप्स भी लाई हूँ आप लोगों के लिए, जो आपको अभी यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, इतने क्रिस्पी और सुपर टेस्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, आलू लेंगे, आलू को बॉयल कर लेंगे बहुत अच्छे से धुल के। अब क्या करेंगे आगे देखिए, हम पीनट लेंगे, जो मूंगफली होती है मेरे घर गांव में होती है ना फ्रेंड्स, तो मैं लेके आई हूँ। तो अब इन्हें क्या करेंगे, छील लेंगे बहुत अच्छे से। तो छील के बढ़िया अच्छे से रेडी कर लेंगे, देखिए फ्रेंड्स एक एक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से छिल जाती है, जब घर पे है तो मार्केट से क्या लाने की ज़रूरत है नहीं फ्रेंड्स ना, इसी से काम चला लेंगे फ्रेंड्स। देखिए सारी हम छील लेंगे एक एक कम करके, एक एक करके, कम ज़्यादा आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। देखिए मेरे आलू अच्छे से बॉयल हो गए हैं, बॉयल हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इन्हें छील लेंगे बहुत अच्छे से, इसके ऊपर का जितना छिलका है ना ऊपर का भाग निकाल देंगे। उसके बाद सेम इसी प्रोसेस सारे छील लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सच में यह ट्रिक्स और टिप्स आप लोग इसी तरीके से बनाओगे ना तो इतने क्रिस्पी और बढ़िया टेस्टी बनते हैं, सुपर टेस्टी फ्रेंड्स। तो देखिए मेरे छील के सारे मेरे छील के रेडी हैं। अब क्या करेंगे, एक नाइफ लेंगे, नाइफ की मदद से बढ़िया छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे हम, ऐसे सेम इसी प्रोसेस बहुत आसान तरीके से हो जाता है। देखिए बातों के रेडी है फ्रेंड्स, ऐसे सेम इसी प्रोसेस सारे कर लेंगे। आपके यहाँ जितने घर में फैमिली मेंबर्स हों उतने ले लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं आज थोड़े से कर रही हूँ, दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, सारे हम अच्छे से कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, जब तक मैं इसे कर रही हूँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नवरात्रि का भोग है फ्रेंड्स तो कर दीजिए। अब क्या करेंगे, हम बहुत छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर लेंगे, किसके, बढ़िया हरी मिर्च या फिर रेड जो मिर्च होती है ना उसका, सेम इसी प्रोसेस सारे कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब आगे आगे देखिए मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, सारे ले लूँगी अपने हैंड्स में। अब एक कढ़ाई रखे हैं, कढ़ाई थोड़ी सी गर्म हो गई है, इसी में ऐड करेंगे क्या फ्रेंड्स, बढ़िया घी। भाई नवरात्रि का स्पेशल भोग है तो हम किस चीज़ से बनाएंगे, घी से, घी से हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी में ऐड करेंगे पीनट मूंगफली के दाने। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे से करिएगा, बढ़िया क्रंची क्रंची लगते हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग ऐसे भी जो आलू फ्राई करोगे तब भी बहुत टेस्टी बनते हैं, बट मैं थोड़े सा ना अभी छीली हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं सोचती हूँ थोड़े से ऐड कर लेती हूँ तो इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, सुपर टेस्टी मस्त। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इसे मुझे जलाना नहीं है फ्रेंड्स, हल्का सा कलर चेंज करेंगे। अब ये मेरे अच्छे से निकाल लेंगे, एक जो किसमें बाउल में या प्लेट में किसी में आप लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए बातों बातों में मेरा निकल के रेडी है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, आगे आगे देखिए फ्रेंड्स, वही घी फिर से ऐड करेंगे, थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे, घी को अच्छे से थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे क्या फ्रेंड्स, जीरा, जीरा का टेस्ट जो है इसमें बहुत अच्छा लगता है, मस्त लगता है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर ऐड करिएगा, एकदम मस्त लगता है, मुझे भाई बहुत पसंद है। आप क्या करेंगे, इसी में ऐड करेंगे लाल मिर्च या फिर रेड मिर्च, हरी मिर्च। अब क्या करेंगे, इसे बहुत अच्छे से बढ़िया फ्राई कर लेंगे, इसे भी थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे फ्रेंड्स। देखिए कलर चेंज हो गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स,
अब इसी में अपने क्या ऐड करेंगे, वही प्यारे से क्या फ्रेंड्स, आलू। फ्रेंड्स जब तक मैं इसे ऐड कर रही हूँ, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या ऐड करेंगे, हरी मिर्च। थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए मैंने कट करके खड़ी हुई मिर्च डाली है। ये खाने में बहुत सुपर टेस्टी लगती है, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि थोड़ी सी जो है जो यह बना रही हूँ ना व्रत का नवरात्रि फलाहार, ये थोड़ा बढ़िया तीखापन आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे बढ़िया हल्के हल्के हाथों से। फ्रेंड्स सच में यह जो है नवरात्रि का स्पेशल भोग इतना मस्त लगता है, इतना मस्त, सुपर टेस्टी। फ्रेंड्स तो आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही हो फिर से याद दिला देती हूँ। फ्रेंड्स मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई नवरात्रि का स्पेशल भोग है तो फ्रेंड्स ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स अब इसी में क्या ऐड करेंगे, पीनट। ये मेरा अच्छे से फ्राई किया हुआ है, आप क्या करेंगे फ्रेंड इसे भी बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर से बढ़िया इधर उधर से बढ़िया कलहारेंगे और कैसा बढ़िया कलर लाएंगे, प्यारा सा ब्राउन कलर, है ना फ्रेंड्स, जिससे ये खाने में थोड़ा सा टेस्टी लगे और क्रंची। पीनट के दाने पड़ेंगे ना टीथ के नीचे, दांत के नीचे, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा फ्रेंड्स, मस्त। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और मुझे इसे क्रिस्पी करना है जिससे खाने में और टेस्टी लगे। अगर कोई चीज़ ऐसे जल्दबाजी में करोगे ना तो इतनी टेस्टी नहीं बनती है फ्रेंड्स, अगर ऐसे बार बार बढ़िया इसको करोगे ना, थोड़ा सा टाइम दोगे तो फिर वह टेस्टी लगती है चीज़ एकदम मस्त। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे बन के रेडी हैं, बातों बातों में एकदम बहुत मस्त बने हैं, बहुत सुपर है, डुपर ही से हैं और सुपर टेस्टी है फ्रेंड्स। एक बार आप लोग बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट में बताइएगा कैसा बना था। हमेशा की तरह सिर्फ तीन चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।